जय हिंद दोस्तों, एनजीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम रैप टूल को यूज करना सीखेंगे। ये सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज का 44वां ट्यूटोरियल है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। आ जाते हैं अपने सॉलिड वर्क इंटरफेस पे, और ये मॉडल हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। अब इसको देखेंगे कि रैप टूल क्या है। आप फीचर में आके और ये रिब टूल के बगल में देखेंगे तो आपको रैप टूल मिल जाएगा। इसका यूज फीचर एक्सट्रूडेड बॉस बेस की तरह ही होता है, लेकिन इससे इसमें एक अलग थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि इसे एक ही प्लेन में एक ही बॉडी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। और कोई एक प्लेन, जैसे ये फेसेस सेलेक्ट करके और यहाँ पे कुछ हम ज्योमेट्री बना लेते हैं। चलिए एक सर्किल यहाँ पे हमने क्रिएट किया। तो सिंपल हम फीचर में इसको एक्सट्रूड का एग्जिट जाके और फीचर में आके और रैप टूल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। ये सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इम्बॉस है, और ये सेकेंड डी बॉस है, और तीसरा है स्क्राइब। तो पहले इम्बॉस देखते हैं। इम्बॉस ये स्केच पहले से ही सेलेक्ट है, और फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फेस सेलेक्ट करना है, कर लिए। और ये यहाँ से डिस्टेंस दे देते हैं मैं 5। चलिए आइए, अपवर्ड है, इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए ये 5 mm एक्सट्रूड हो गया। ये एक्सट्रूडेड बॉस बेस की तरह ही यूज होता है। आगे देखते हैं कि इसका अलग यूज क्या है। और यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स करके देखते हैं। डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन चेक कर देंगे और ओके करेंगे। इसमें रिवर्स डायरेक्शन नहीं आ रहा है। अब डिबॉस देख लेते हैं, सेम यही सेलेक्ट रहेगा, यही सब। और डिबॉस में देखेंगे, एम्बॉस में हुआ था तो वो एक्सट्रूड हुआ था, डिबॉस में कट हो जाएगा। ये देखिए 5 mm तक ये कट हो गया। तो डिबॉस में ये कट हुआ और इम्बॉस में एक्सट्रूड हो रहा था। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है। यही ज़्यादा यूज का है, मान लीजिए इसको तो हम एक्सट्रूडेड बॉस बेस से भी कर सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा को सेलेक्ट करेंगे, ये स्केच पहले से सेलेक्ट है, ये स्केच 4, और फेस ये सेलेक्ट किए हैं। जैसे क्लिक करेंगे ओके, ये देखिए ये दो पार्ट में अलग अलग हो गया है। आगे देखेंगे कि इसका यूज क्या है। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, ये था रैप टूल। अब आगे देखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।